छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली, बंगाल और बिहार दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने झारखंड में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार डरा धमकाकर स्थिर सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। भाजपा बिना विपक्ष के देश चलाना चाहती है। विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये जनता के लिए लोकसभा चुनाव अलार्म है। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बात कही है, वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि ये 2024 का चुनाव है, उस अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी, चाहे विपक्षी जितने नेता हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया है। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बात कही है, वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि ये 2024 का चुनाव है, उस अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी, चाहे विपक्षी जितने नेता हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया है।